5 जून को पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया जाता है। पर्यावरण दिवस के मौके पर मंगलवार को प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी शिमला में विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के चलते पर्यावरण दिवस के मौके पर SJVN द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें SJVN के वित्त निदेशक AS बिंद्रा व अन्य पदाधिकारियों ने पौधे रोपकर समाज को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं इस मौके पर SJVN द्वारा समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें SJVN के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया व पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा की। सिटी चैनल से बात करते हुए SJVN के वित्त निदेशक AS बिंद्रा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हर नागरिक का पहला कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि आए दिन जंगलों में आग लग रही है, जिससे वन संपदा सहित जीव जंतु व निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंच रहा है। इस दौरान उन्होंने सभी से पर्यावरण को बचाने की अपील की। 5 जून को जो है हर साल हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। उस पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे इधर काफ़ी बच्चे भी उपलब्ध हैं और हमने पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम काफ़ी पहले से बनाया हुआ था। कल भी जो है सभी स्कूलों में एक भाषण प्रतियोगिता भी कराई है पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में। आज उन बच्चों का यहाँ पे समारोह है। पर्यावरण दिवस में हम आप जो है ऑलरेडी जो है कई पौधे भी लगाए हैं हमने। आज निदेशक मंडल सभी ने पौधे लगाए हैं, तो इस कारण हम चाहते हैं कि ये पर्यावरण दिवस जो है काफ़ी अच्छा मनाया जाए और जितना प्रदूषण हो रहा है इसको दूर करने के लिए हम कई कदम उठा रहे हैं। जहाँ तक सवाल है, हमारे ऑफिस में जितना पेपर वेस्ट होता था, आपको पता है उस पेपर वेस्ट को हम वेस्ट नहीं कर रहे, उसको हम रिसाइकल कर उसके जो है फाइल कवर वगैरह सब कुछ बना रहे हैं। वहीं शिमला के हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान में भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर जन जागरूकता को लेकर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें शहर के 5 स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर VP तिवारी ने प्लास्टिक के बढ़ते प्रचलन और इससे होने वाले नुकसान पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस वर्ष के पर्यावरण दिवस का विषय भी बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन रखा गया था। तिवारी ने कहा कि प्लास्टिक के कारण हर वर्ष करीब 10 लाख समुद्री जीव काल का ग्रास बन रहे हैं। उन्होंने लोगों को प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने का संदेश दिया। ये पूरा विश्व जो है हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है और उसी श्रृंखला में आज इसका आयोजन किया गया है, क्योंकि इस वर्ष हमारा देश भारत इसका ग्लोबल होस्ट है, वैश्विक आयोजन कर रहा है, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व है और इसी वजह से ये हम सभी आज यहाँ पर्यावरण दिवस को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पर्यावरण संदेश में इस साल का जो मुख्य विषय है बीट दी प्लास्टिक पॉल्यूशन, की प्लास्टिक का जो कचरा है इसको ख़त्म किया जाए और कम किया जाए, क्योंकि जो स्थिति है हम प्रति मिनट लगभग 1 लाख पानी का बोतल दुनिया में प्रयोग होता है। प्लास्टिक को डिग्रेड होने में 500 वर्ष लगते हैं। समुद्र में जो जानवर हैं, जो मछलियां हैं, समुद्र में इतना प्लास्टिक का कचरा जा रहा है जिससे हर साल 10 लाख सीबर्ड मर जा रही हैं, 1 लाख से ज़्यादा मैमस और अन्य जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। इस दौरान शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के हरिदेवी घनाटी स्थित शिमला प्रेसिडेंसी स्कूल में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर स्कूल की उप प्रधानाचार्य देवीना की अगुवाई में रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर बच्चों ने नुक्कड़ नाटक व नारों के माध्यम से प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया। उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। अरे वाह, कितने सारे पेड़ हैं। अरे वाह, हमने कितने सारे पेड़ गिरा दिए। और बहुत अमीर हो जाएंगे। अरे वाह, मानव कितना अजीब प्राणी है। पहले पेड़ों को काटता है और फिर उसे के कागज पर लिख देता है। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। इतना सुंदर आंचल था मेरा। वहीं इस दौरान स्कूल में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सिटी चैनल से बात करते हुए स्कूल की उप प्रधानाचार्य देवीना ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। Our school has celebrated the World Environment Day and on this occasion many programs were planned.
first was awareness rally, which was conducted from Ghana till Kerr and going through the market, passing through the Government Senior Secondary School. It just turned back to the same point. Children were carrying the slogans and they were conveying the message not to use a plastic. And also they were conveying the message that we can save our environment by planting more and more trees. And there was a feather in the cap of this celebration that we had a street play at every corner of the market to give the awareness message and saying no to use of plastic and conveying the message that in place of plastic we must carry clothes bag and paper bags. And this message is very important because we are facing all the trauma of weather these days, and all this is due to the bad condition of environment, and the plastic has created a hazard for Mother Earth. कुल्लू जिला में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जिला भर में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त कुल्लू यूनुस ने भुंतर सैनिक चौक पर स्थानीय लोगों व पर्यटकों को पौधे बांटकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं इस दौरान कुल्लू शहर में दर्जनों निजी व सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकालकर लोगों से पर्यावरण को बचाने के लिए अपना सहयोग देने की अपील की। वहीं इस मौके पर उपायुक्त कुल्लू यूनुस ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी व जिला प्रशासन द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यटकों व स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि इस मौके पर पर्यटकों को फूलों के पौधे बांटे गए, जिन्हें वे अपने घर आंगन में लगाएं और पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपना सहयोग दें। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, मैं सबको बधाई देता हूँ। आज के दिन से हमने ये मुहिम स्टार्ट की है कि आने वाला जो हमारा मानसून का टाइम है, हर लोगों को हम पौधे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे कि अपने घर जाके या निकटतम जो पार्क है, जो आसपास का खाली एरिया, उसमें पौधे ज़रूर लगाएं। आज बहुत सारे यहाँ मनाली में जो टूरिस्ट आ रहे हैं और मनाली से जो टूरिस्ट जा रहे हैं, उनको हम वहीं की वैरायटी के हिसाब से लोगों को पौधे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अक्सर गर्मियों में देखा जाता है कि हम पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को छबील देते हैं, तो हमने एक थोड़ा ये अलग से किया है कि लोगों को अगर हम पौधा देंगे, वो अपने घर लेके जाएंगे, लगाएंगे, उसके साथ उसका अटैचमेंट भी रहेगा, लगाव भी रहेगा जी। अलग अलग चौक चौराहा पे कोशिश रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधे बांटेंगे। हमारे अभी जैसे कुल्लू मनाली के जितने भी चौक चौराहे होंगे, वहाँ पे हम रुक रुक के लोगों को ये पौधे बांटेंगे। पर्यावरण दिवस पर सोलन में रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और नारों के माध्यम से शहरवासियों को जागरूक किया गया। इस दौरान बच्चों ने कहा कि पर्यावरण को साफ और स्वच्छ चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि पर्यावरण का संतुलन ना बिगड़े। Today we are celebrating World Environment Day on 5th June. It is every year celebrated. So today we are going to represent and perform different activities. So environment give us many things. So please save it for a pleasure. को जागरूक करने के लिए कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने चाहिए, तो इस रैली से हम सबको इंस्पायर करना चाहते हैं। उन पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसकी वजह से बारिश कम हो रही है तथा हमारे सांस जो हम लेते हैं, ऑक्सीजन, वह भी इससे ही निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ लेते हैं तथा उससे ऑक्सीजन निकलती है। इस मौके पर अध्यापिका हितैषी शर्मा ने कहा कि वे काफी समय से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जागरूक नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शहर में रैली निकाली गई। मेन तो यही है कि हम लोगों को अवेयर करें, पर लोग होते नहीं हैं। अभी भी दुकानों के आगे से हमने बहुत सारा प्लास्टिक उठाया, मतलब जब तक हर इंडिविजुअल को अपने आप नहीं होगा तब तक नहीं होगा। रैली या अवेयर करने के कोई फ़ायदा नहीं है जब तक इंडिविजुअल आदमी इस बारे में नहीं सोचेगा। और जैसे इस बार आपको पता ही है कि 2018 में भारत मेजबान देश होस्ट कर रहा है इसको, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को, प्लास्टिक के लिए, क्योंकि प्लास्टिक का जो दिन पर दिन जो हमारी डेली जीवन में इसका यूज़ बढ़ रहा है, अब उसको जो खत्म करना है वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सोमवार को चंबा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में चंबा के विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के बच्चों द्वारा चंबा के लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। छात्रों का कहना है कि अगर सभी सहयोग करें तभी पर्यावरण को बचाया जा सकता है। 47वां पर्यावरण दिवस मना रहे हैं और हमने आज पूरे चंबा चौगान में रैली निकाल ली और
सारे लोगों को जागरूक किया कि आज पर्यावरण दिवस पर हमें पेड़ लगाना चाहिए, काटने नहीं चाहिए, पर्यावरण बचाएंगे तभी हमारा जीवन खुशहाल होगा। हम लोगों को ये जागरूक करना चाहते हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, ना कि उनकी कटाई करनी चाहिए। आज पेड़ों के अंदर कटाई की वजह से पर्यावरण का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि सभी जगह हर तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण फैल रहा है। वहीं इस दौरान बोलते हुए सीएफ रजनीश महाजन ने कहा कि पर्यावरण को संरक्षित करना सभी का कर्तव्य है। उन्होंने सभी नागरिकों से पर्यावरण को स्वच्छ रखने की अपील भी की। आज हमने वन विभाग एवं बॉयज स्कूल चंबा, गर्ल्स स्कूल चंबा और बीपीएस स्कूल चंबा के बच्चों के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक रैली का आयोजन किया और बच्चों को पर्यावरण के महत्व के बारे में बताया और बताया कि पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण को साफ रखना ये हम सभी का कर्तव्य है और हम सबको इसमें जो है कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने हाथ बढ़ाने चाहिए। वहीं इस मौके पर चंबा के चौगान में जिला शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय द्वारा पर्यावरण जागरूकता विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों के लिए चित्रकला, स्लोगन राइटिंग व भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त हरिकेश मीणा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाले छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल।